गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हितेंद्र चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरियन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको किसी टॉपिक के बारे में ना बात करके आज मैं बात करूंगा आपसे एक ओल्ड पेपर के बारे में। तो दोस्तों, आज एक ओल्ड पेपर जो NVS का पेपर हुआ था पिछली बार, उस पेपर को मैं आज आपके लिए सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें मैं बात करूँ पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है अपना, वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है। वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है, जिसमें ऑप्शन है निर्देशिका, बी शब्दकोश, सी ग्रंथ सूची एंड डी सूची। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा ए निर्देशिका। दोस्तों, आपको ये जो पेपर है वो नीचे जो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें लिंक में आपको नीचे ये पेपर है वो PDF में मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्ड ऑफ लर्निंग का वो क्या है, निर्देशिका। तो दोस्तों, वर्ड ऑफ लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो वर्ड ऑफ लर्निंग का प्रकाशन होता है यूरोपा पब्लिकेशन के द्वारा, और यूरोपा पब्लिकेशन में भी इसका प्रकाशन जो यूरोपा पब्लिकेशन स्थित है वो है लंदन में, वहां से ये प्रकाशित होता है वर्ड ऑफ लर्निंग। अगर दोस्तों मैं इसके स्रोत की जो इसका इन्फॉर्मेशन सोर्स है, जो अपने 3 टाइप के इन्फॉर्मेशन सोर्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, जिसमें मैं बात करूँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी जो अपना वर्ड ऑफ लर्निंग है वो टर्सरी जो अपना तृतीयक सूचना का स्रोत है, क्योंकि ये निर्देशिका है और निर्देशिका हमेशा सूचना का तृतीयक स्रोत होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य अल्पकालिक साहित्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य अल्पकालिक साहित्य है। तो दोस्तों, इसके अल्पकालिक साहित्य की मैं बात करूं तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अल्पकालिक मतलब थोड़े काल का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, कोई लिखित और छपी हुई मुद्रित अस्थाई सामग्री जो क्षणिक महत्व की होने के कारण सुरक्षित या संग्रहित नहीं की जाती है वो साहित्य कहलाता है अल्पकालिक साहित्य। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरे का डी। नेक्स्ट तीसरा है, माइक्रो फोटोग्राफी की संकल्पना किसने विकसित की। कि जो माइक्रो फोटोग्राफी की जो संकल्पना है वो किसने विकसित की। तो दोस्तों, इसमें आंसर सही होगा सी, जॉन बेंजामिन डांसर। जॉन बेंजामिन डांसर जिन्होंने माइक्रो फोटोग्राफी पद को सर्वप्रथम दिया था। या आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी आएगा कि माइक्रो फोटोग्राफी की संकल्पना किसने विकसित की। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जॉन बेंजामिन डांसर। नेक्स्ट चौथे की अगर मैं बात करूं, INB की समय आवृत्ति क्या है। जो हमारी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है उसकी समय आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी क्या है। तो दोस्तों, इसकी फ्रिक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो राइट आंसर है वो होगा बी, बी जो मासिक अपनी जो मंथली फ्रिक्वेंसी है INV की। अगर दोस्तों मैं INV के प्रकाशन की बात करूं तो INV का प्रकाशन 1957 से हो रहा है। अगर मैं बात करूं कहां से हो रहा है तो वो हो रहा है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी से हो रहा है, जो कलकत्ता में स्थित है वहां से INV का प्रकाशन हो रहा है जो मासिक है अभी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, IR में गुच्छीकरण जो क्लस्टरिंग शब्द निरूपित करता है। कि जो IR में जो गुच्छीकरण जो शब्द है वो क्या निरूपित करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो कि गुच्छीकरण मतलब समूहन, समूहन मतलब क्लस्टरिंग। अब मैं बात करूं या क्लस्टर शब्द के अर्थ की, तो दोस्तों क्लस्टर का मतलब होता है बंडल या गुच्छा। तो दोस्तों, इसमें इसका जो पहले गुच्छीकरण का जो सब्जेक्ट जो निर्माण की विधियों में गुच्छीकरण की जो विधि है उसमें क्या होता है कि कई सारी विषय आपस में मिलकर एक गुच्छे की तरह जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि वो आपस में जुड़ी हुई होने के बावजूद भी अलग अलग होती हैं। अब इसके उदाहरण की मैं बात करूं तो उदाहरण है इसका इंडोलॉजी। दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से भी डायरेक्ट आ सकता है कि इंडोलॉजी जो है वो कौन सी जो अपनी विधि है, कौन सी विधि से निरूपित है, तो वो है अपना गुच्छीकरण से। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है जो छठवा क्वेश्चन है, DOAG जो विश्व की सबसे बड़ी मुक्त फुल टेक्स्ट मतलब पूर्ण टेक्स्ट और गुणवत्ता नियंत्रण एवं शैक्षणिक पत्रिका शब्दकोश किसके द्वारा परिचालित है। यहाँ DOAG की बात हो रही है कि वो किसके द्वारा परिचालित है। अब दोस्तों, पहले मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि DOAG क्या है। तो डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स, इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स। अगर मैं बात करूं DOAG की लॉन्च की तो वो 2003 में लॉन्च हुआ था। अब इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, क्योंकि DOAG जो है वो परिचालित होती है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से। दोस्तों, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बात करूं कि कहां पर है, तो वो है कैलिफोर्निया में जो USA में स्थित है, वहां पर ये स्थित है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर याद रखना, राइट आंसर होगा इसका ए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संदर्भ सेवा के तीन सिद्धांत रूढ़, उदार और स्वतंत्र के रूप में चिन्हित किए। तो दोस्तों यहाँ एक अपनी भाषा में बात करूँ तो रूढ़िवादी, उदारवादी और मध्यमवादी जो संदर्भ सेवा के सिद्धांत दिए तीन, वो किन्होंने दिए? तो वो दिए अपने जेम्स आई बायर के द्वारा ये संदर्भ सेवा के तीन सिद्धांत दिए थे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा कोई ना कोई पेपर में आता रहता है, जिसमें अगर मैं बात करूं एक और जो सिद्धांत दिया था सैमुअल स्यूट ग्रीन ने दिया था न्यूनतम, अधिकतम और मध्यस्थ, ये संदर्भ सेवा के तीन सिद्धांत दिए सैमुअल स्यूट ग्रीन ने। मैं बात करूं रंगानाथन की तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने तैयारी, सेवा और समीकरण के आधार पर संदर्भ सेवा को बताया। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर तो बी है, क्योंकि आशावादी, रूढ़िवादी और उदारवादी जो दिया था, मध्यमवादी जो दिया था किसने? जेम्स आई बायर ने। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां कि ग्रीस साहित्य में संकलित सूचना की विश्वसनीयता बहुत अधिक स्रोत और प्रकाशन की प्रेरणा पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इसमें हमें अभिकथन और कारण दिया हुआ है कि ग्रीस साहित्य में संकलित सूचना की विश्वसनीयता बहुत अधिक स्रोत और प्रकाशन की प्रेरणा पर निर्भर करती है। इसका कारण दिया हुआ है क्योंकि ग्रीस साहित्य का बहुत बड़ा अंश स्वयं प्रकाशित है और स्थायी वे अभिलेखीय मूल्य का है, इसलिए उक्त सामग्री पर विश्वास हेतु लेखक के संपर्क करके उससे अतिरिक्त पार्श्व सूचना लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इसका अभिकथन तो सही है लेकिन इसका कारण गलत है। ग्रह साहित्य जो अप्रकाशित जो लेख होते हैं उनको ग्रह साहित्य कहते हैं, उनके बारे में ये बताया है। तो दोस्तों ये अभिकथन और कारण वाले भी कई क्वेश्चन हमें एनवीएस में मिलेंगे, तो एनवीएस में ये क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन जिनकी थ्योरी अच्छे से क्लियर है वो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं और बहुत सीधे क्वेश्चन होते हैं ये। नेक्स्ट में बात करूं नौवां क्वेश्चन, तो नौवां है अपना कि उसमें अभिकथन दिया हुआ है कि पुस्तकालयों के मध्य सहयोग और संवाद के लिए पुस्तकालय के मानक आवश्यक हैं, जिसका कारण दिया हुआ है कि Z 39.50 नयाचार के वर्गीकरण और सूचीकरण के प्रयासों को सीमित कर दिया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसके राइट आंसर में क्या है, अभी कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो ये दोनों ही सही हैं। जिसमें नौवां क्वेश्चन है जिसमें अभी कथन और कारण दोनों सही हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें Z 39.50 जो दिया हुआ है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी है। नेक्स्ट दसवां क्वेश्चन में बात करूं दोस्तों, तो दसवां क्वेश्चन है सूचना के भेदों के लिए उपभोक्ताओं के तीन प्रकार के दृष्टिकोणों को मेलविन बॉयज ने पहचाना है, इनमें से किसका संबंध डॉक्यूमेंटेशन डिलीवरी से है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, परिपूर्ण दृष्टिकोण। नेक्स्ट अपना ग्यारहवां क्वेश्चन है, तो उसमें अभिकथन हमें दिया हुआ है ग्यारहवें में कि विश्व की अधिकांश संस्थाएं इम्फैक्ट या प्रयोग अपनी संस्थागत उत्पादकता की मानक के लिए करती हैं। इसका कारण हमें दिया है कि इम्फैक्ट फैक्टर जो IF है वो आधारित पत्रिका के प्रकाशन प्रत्येक लेख समान गुणवत्ता का होता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, अभिकथन तो सही है लेकिन इसका कारण गलत है। दोस्तों मैं यहाँ इम्फैक्ट फैक्टर एक शब्द दिया हुआ है, इम्फैक्ट फैक्टर की अगर मैं बात करूँ उसको प्रभाव कारक भी कहते हैं, उसका उपयोग जो होता है वो होता है शोध पत्रिकाओं की गुणवत्ता मापने के लिए। अगर मैं बात करूँ इसके विकास की, तो दोस्तों इसका विकास जो किया था वो किया था यूजीन गाल्फिन नाम के व्यक्ति ने, जो 1975 में किया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दसवां जो क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट सॉरी बारहवां क्वेश्चन है अपना बारहवां क्वेश्चन पर अपन चलते हैं, जिसमें बारहवां है जिसमें अभिकथन दिया हुआ है, पुस्तकालय के स्वचालन ने 21वीं सदी के पुस्तकालय अध्यक्षों के कार्यभार को काफी कम कर दिया है। तो इसका जो पुस्तकालय अध्यक्षों का जो कार्यभार है वो 21वीं सदी में स्वचालन ने, ऑटोमेशन ने कम कर दिया है, जिसका कारण दिया है कि पुस्तकालयों में बार बार किए जाने वाले कार्यों के कंप्यूटरीकृत हो जाने से उसका काम अत्यंत आसान हो गया है और मानवीय प्रकार के तीव्रतर हो गया है, जिससे पुस्तकालय कर्मचारियों का मूल्यवान समय भी बच जाता है। तो दोस्तों इसमें सीधी सी बात है, दोनों अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, क्योंकि
जो ऑटोमेशन है, जो हमारा ऑटोमेशन जो अभी चल रहा है, डिजिटल लाइब्रेरियां हो गई हैं, तो उसमें ऑटोमेशन का जो कार्य चल रहा है उससे क्या है कि हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष जो लाइब्रेरियन जो होते हैं उनका कार्यभार कम हो गया है और उनको कर्मचारियों का जो मूल्यवान समय है वो बच रहा है। अब बात कर रहे हैं कर्मचारियों के मूल्यवान समय की, तो दोस्तों यह अपने समय बच रहा है तो इसलिए अपना जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 जो अधिनियम है उनमें से ये 4th नियम की पालना करता है। नेक्स्ट है अपना 13वां क्वेश्चन, जिसमें अभिकथन दिया हुआ है अपना कि पुनर्प्राप्ति प्रलेखों के आंशिक भाग की शुद्धता उपभोक्ताओं की सूचना संबंधी आवश्यकताओं के लिए अप्रासंगिक है, जिसका कारण हमें दिया है व्यवहारिक स्थितियों में प्रत्यास्मरण और शुद्धता सदैव एक दूसरे के विपरीत संबंध रखते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें अभिकथन तो गलत है लेकिन इसका कारण सही है कि व्यवहारिक स्थितियों में प्रत्यास्मरण और शुद्धता सदैव एक दूसरे के विपरीत संबंध रखते हैं। नेक्स्ट अपना 14वां क्वेश्चन है, जिसमें अभिकथन की मैं बात करूं कि सूचना को LOCKOSS, जो इसको शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं लोकोस, के माध्यम से संगठित और परिरक्षित करना अधिक प्रभावी है और अपेक्षाकृत किसी पुरालेख संग्रह की सदस्यता लेने के, जिसका कारण हमें दिया हुआ है कोई भी सूचना को डिजिटल रूप में उपलब्ध है उसे इन हाउस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके पुरालेख संग्रहों के रूप में तैयार नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें अभिकथन तो सही है लेकिन इसका कारण गलत है। नेक्स्ट 15वां अपना क्वेश्चन है, 15वें क्वेश्चन में अपन को अभिकथन दिया हुआ है कि पारंपरिक रूप से पुस्तकालयों को गैर लाभकारी संगठन माना जाता है, जिसका कारण है सूचना उत्पादों और सेवाओं के विपणन के द्वारा 21वीं सदी के पुस्तकालय आत्मधारणीय बन गए हैं। जिसमें मैं बात करूं दोस्तों राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा इसमें अभिकथन सही है लेकिन कारण इसका गलत है। अभिकथन इसलिए सही है क्योंकि पुस्तकालय क्या है, एक गैर लाभकारी संगठन माना जाता है पुस्तकालय। नेक्स्ट अपना है 16वां जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट 16वें की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी अभिकथन और कारण दिए हुए हैं, जिसमें अभिकथन की मैं बात करूं कि पुस्तकालय वर्गीकरण की योजनाओं की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि पुस्तकालय वर्गीकरण का सिद्धांत कितना सक्रिय प्रकृति का है और उसके पीछे क्या विचार है, जिसका कारण हमें दिया है कि वैचारिक धरातल पर कोई भी सिद्धांत विकसित किया जा सकता है जब तक विषयों की सृष्टि के विकास के माध्यम को परखाने जाए और पुस्तकालय वर्गीकरण का कार्य क्षेत्र है। जिसमें अब दोस्तों इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर इसके दोनों ही, कारण भी सही है इसका और अधिकथन भी सही है, तो राइट आंसर होगा इसमें ए, इसमें कारण और अधिकथन दोनों सही हैं। नेक्स्ट है अपना 17वां क्वेश्चन, तो उसमें अभिकथन दिया है कि संसाधन की भागीदारी में पुस्तकालय संसाधन एवं सेवाओं का अधिकतम उपयोग बेहतर एवं मूल्यवान प्रभावी है, जिसका कारण हमें दिया है कि क्लाउडिंग कंप्यूटरिंग संसाधनों की भागीदारी पर निर्भर है और 21वीं सदी में पुस्तकालयों के लिए सहायता प्रद है। तो दोस्तों इसमें अपने कारण और अधिकथन दोनों सही हैं, क्योंकि जो रिसोर्स शेयरिंग का जो काम है उससे क्या है अपने पुस्तकालय संसाधनों को सेवाओं को उसमें अधिकतम बेहतर मूल्य और प्रभावी अच्छी तरीके से बन गया है। इसमें क्लाउड कंप्यूटरिंग भी एक भागीदारी का निभा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूं, नेक्स्ट है अपना 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित हैं, तो दोस्तों इसमें अपन को मिलान दिए हुए हैं, जिसमें मैं बात करूं पहला है अपना अकेडमिक जो एजुकेशन है वो दिया है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो अकेडमिक जो एजुकेशन है वो यहां मैच खाता है सोशल नेटवर्किंग साइट, तो ये क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट है अपना 18वें में दूसरा जो NUCCCSISI, तो ये क्या है दोस्तों, ये एक यूनियन कैटालॉग है, जो अपना NUCSSI है, जो यूनियन कैटालॉग है, और यूनियन कैटालॉग है किसका, निस्केयर का, तो दोस्तों इसका मैच होता है निस्केयर से। नेक्स्ट है अपना प्लानर, तो दोस्तों प्लानर क्या है, प्लानर एक इन्फ्लिमनेट का प्रोग्राम है जो मैच खाता है दूसरे से, तो इन्फ्लिमनेट का एक प्लानर है। नेक्स्ट है अपना 4था उर्कुंड क्या है, तो दोस्तों उर्कुंड एक साहित्यिक चोरी खोज सॉफ्टवेयर है उर्कुंड, तो इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी को आप मैच कर लेना या अलग अलग से लिख लेना, कैसे भी कर लेना, तो इसमें राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है अपना 19वां क्वेश्चन, जो आपको हर पेपर में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं
इसमें या तो डायरेक्टली आपसे किसी अधिनियम को पूछ लिया जाएगा या फिर उसका कोई मैचिंग पूछ ली जाएगी, या इस प्रकार से उनका इस प्रकार से जिसमें इसमें दिया है इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों जो हमारे अधिनियम हैं, जो हमारे पुस्तकालय कानून हैं, वो जो लागू हुए थे, उनको आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जिसमें मैं 19वें नंबर की मैं बात करूँ कि निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में, यहाँ बढ़ते क्रम की बात हो रही है कि उसमें अपने बढ़ते क्रम में उन जो सार्वजनिक पुस्तकालय कानून जो लागू हुए हैं उनको लगाना है। तो दोस्तों इसमें मैं बात करूं सबसे पहले गोवा की, तो दोस्तों गोवा को आपका पता ही होगा कि गोवा 1993 में बना था। नेक्स्ट है अपना गुजरात, तो गुजरात 2001 में, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश 2006 में, और अरुणाचल प्रदेश जो 2009 में, और जो सबसे अंतिम बना था वो बना था अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए ही होगा, क्योंकि इसमें और दिए हुए हैं तो वो और गलत है, उनका बढ़ता क्रम सिर्फ और सिर्फ ए का सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है अपना 20वां जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों इसमें जो युग में दिए हैं उनमें से फिर वही मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो उसमें किस किस प्रकार से मैचिंग है। तो दोस्तों इसमें सीए कटर की बात हो रही है, तो दोस्तों सीए कटर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें क्या है, एक्सेन जो अपना सीए कटर है उन्होंने दिया था एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, सीए कटर ने दिया था 1891 में। तो सीए कटर जो हैं उनका जो मैचिंग होगी, यहाँ उनकी मैचिंग होगी 2 नंबर से, विस्तार सेवा जो अपनी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो स्कीम है उससे उसकी मैचिंग होगी इससे। दूसरा है जेडी ब्राउन, तो दोस्तों जेडी ब्राउन जो है, जेडी ब्राउन ने दी थी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो दी थी 1905 में, तो इसमें जो मैचिंग होगी वो होगी 3 नंबर से। नेक्स्ट है कॉलन क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है अपना सॉरी एस आर रंगानाथन का संबंध है कॉलन क्लासिफिकेशन से जो 1933 में दी थी। अपना चौथा है एच ई बिल्स, जो अपना एच ई बिल्स हैं उन्होंने दी थी अपनी, इसमें मैच होगा इनका पहला ग्रंथ सूची वर्गीकरण से, जो अपना बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन स्कीम दी थी 1935 में। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, सी को आप अपने अकॉर्डिंग राइट आंसर से मैच कर लेना, तो इसमें राइट आंसर सी होगा, इनको अलग से लिख भी लेना आप। नेक्स्ट है अपना 21वां क्वेश्चन, तो दोस्तों 21वां जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, उसमें दिया है अपना निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है, इसमें भी वही सुमेलित वाला काम है। तो दोस्तों इसमें है जो अपना एन टी आई एस जो है उसका मैचिंग होगी अपना 4th नंबर से, रिपोर्ट है ये। दूसरा है अपना UMI, तो UMI की जो होगी मैचिंग वो होगी 3rd नंबर से, तो उसमें है शोध ग्रंथ और लघु शोध प्रबंध। नेक्स्ट है इर्वेंट, तो दोस्तों इर्वेंट है वो क्या, एक पेटेंट या एकस। नेक्स्ट है चौथा थॉमस यूटर्स, तो उसका क्या है, एक व्यापार साहित्य है, एक ट्रेड लिटरेचर है, व्यापार साहित्य है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ए, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपना है 22वां क्वेश्चन, जिसमें बात करूं मैं उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले उपागमों से निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक सही रहेगा, उनको पहचानना है आपको। दोस्तों इसमें डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता दूं तो इसमें डायरेक्टली पहला और दूसरा आंसर सही है, जो आप देख सकते हैं प्रयोक्ता अपनी समस्याओं का क्या विश्लेषण करते हैं या निर्णय लेते हैं, उपभोक्ताओं के उनकी आवश्यकताओं के विषय में बताए गए कथनों का संकलन, पिछले प्रयोगों का परीक्षण करना और मान लेना कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको नवोदय विद्यालय में मिलेंगे। नेक्स्ट में बात करूं 23वें क्वेश्चन की, तो 23वां क्वेश्चन होगा अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि सुमेलित वाले जो क्वेश्चन है वो आपको 100% मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें अगर हम पहचान करें तो दोस्तों इसमें पहली सूची और दूसरी सूची की पहचान करनी है, तो इसमें मैं बात करूं ट्रेडमार्क की, तो दोस्तों ट्रेडमार्क क्या है, जैसे इसमें मैचिंग हो रही है, ट्रेडमार्क मतलब पेप्सी लोगो, कि जो पेप्सी का जो लोगो है वो ट्रेडमार्क से संबंधित रखता है। जैसे मान लीजिए आपका एडिडास का कोई लोगो है तो वो एक लोगो किससे मैच करेगा, ट्रेडमार्क से। नेक्स्ट है अपना भौगोलिक सूचक, तो दोस्तों भौगोलिक सूचक का अगर मैं मेल करूं तो इसका मेल होगा अपना एक से,
कोलापुरी चप्पलें। तो दोस्तों इसमें जगह का नाम आ रहा है इसलिए भौगोलिक स्रोत है, और भौगोलिक स्रोत है तो इसलिए ये इससे मेज खा रहा है। नेक्स्ट है अपना पेटेंट। तो दोस्तों पेटेंट की अगर मैं बात करूं तो पेटेंट टच स्क्रीन की तकनीक या डिजाइन, जो अपना पेटेंट यहाँ पेटेंट का मैच होगा डिजाइन से, दोस्तों डिजाइन से पेटेंट का मैच होगा। नेक्स्ट है अपना कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का टच स्क्रीन की तकनीक है जिसका अपने जिसका कॉपीराइट है आंसर। नेक्स्ट है इसका जो इसका राइट आंसर 21 में का, अगर राइट आंसर टोटली अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा डी। आप कर लेना और मैच कर लेना और इनको लिख लेना। नेक्स्ट है अपना 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन की दोस्तों मैं अगर बात करूं तो दोस्तों 24वां जो क्वेश्चन है इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको वहां मिलेंगे। तो दोस्तों ये आपने अपने यहां अलग और वहां अलग इस प्रकार के मिलेंगे। 24वां हुआ, नेक्स्ट अपना 25वां हुआ। तो अगर मैं 24 के राइट में राइट आंसर की अगर मैं डायरेक्ट यहां बात कर रहा हूं तो राइट आंसर होगा इसका बी। दोस्तों ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं इसलिए इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं। उसी प्रकार का अपना 25वां क्वेश्चन है, तो 25वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा उसमें भी बी होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको वहां मिलेंगे, इनमें मैं टाइम खराब नहीं करूंगा क्योंकि वो वहां अलग और यहां अलग हैं। नेक्स्ट अपना 26वां, रंगनाथन के अनुसार सूची पत्रकों में शीर्षक देते समय सरकार का नाम चुनना इस बात का प्रतीक है कि, इस बात का प्रतीक है कि इसके क्षेत्र का नाम से जानना, शीर्षक में प्रयुक्त नाम का प्रयोग पुस्तकालयों की अनुकूल भाषा में किसी प्रशासनिक स्रोत से लेना, सभी अक्षरों को मोटे रूप में लिखना, सुमिलित में अलग अलग करके लिखना और अंत में पूर्ण विराम लगाना, सभी अक्षरों को छोटे अक्षरों में लिखना और विभाग के अंत में सेमी कोलन लगाना। तो दोस्तों ये चीज बिल्कुल गलत है, इसमें चौथा जो है वो गलत है, बाकी तीन इसके सही हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की। तो 27वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अनौपचारिक संप्रेषण के FW लैंकास्टर द्वारा प्रतिपादित लक्षणों को पहचानिए। तो FW जो लैंकास्टर हैं उन्होंने क्या मतलब लक्षण दिए, तो इसमें बात हो रही है वार्तालाप के माध्यम से संप्रेषण हो सकता है। नेक्स्ट अपना व्यक्तिगत और दूरभाष के माध्यम से या आमने सामने संप्रेषण हो सकता है, पत्र विभाग के माध्यम से, समाचार पत्रों विज्ञापनों के माध्यम से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए और बी, मतलब पहला और दूसरा। ये अनौपचारिक संप्रेषण के जो FW टेलर ने लक्षण बताए थे FW टेलर ने। नेक्स्ट है अपना 28वां क्वेश्चन, ये अपना 27वां है और नेक्स्ट अपन बात करेंगे 28वें की। तो 28वें में है कि सूचना के प्राथमिक स्रोतों में सम्मिलित है। तो यहाँ सूचना के प्राथमिक स्रोत की बात हो रही है कि इसमें सूचना का प्राथमिक स्रोत हमें छांटना है। तो दोस्तों इसमें शोध ग्रंथ, भौगोलिक संकेत, संगोष्ठी प्रपत्र और पुस्तक। तो इसमें तीन अपने पहला, दूसरा और तीसरा है, ये तीनों सूचना के प्राथमिक स्रोत हैं, और जो अपना चौथा है वो सूचना का प्राथमिक न होकर सूचना का द्वितीयक स्रोत होता है, क्योंकि सूचना का द्वितीयक स्रोत होती है एक पुस्तक, एक बुक सूचना का द्वितीयक स्रोत होती है। सूचना के स्रोत जो तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत और तृतीयक स्रोत, जिसमें हमने प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत की बात की है। नेक्स्ट अपना 29वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन एक्सेस इनिशिएटिव से संबंधित है। तो दोस्तों ओपन एक्सेस इनिशिएटिव से संबंधित किसका है, इसमें पहला है क्रिएटिव कॉमन्स, दूसरा है DOAG, जो DOAG हमने नेक्स्ट पहले क्वेश्चन में बात की थी, तीसरा है अपना FOSSGNU। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा अपना एक और दो, पहला और दूसरा इसका राइट आंसर होगा क्रिएटिव कॉमन्स और DOAJ। नेक्स्ट अपन 30वें क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे 30वें क्वेश्चन में। जैसे आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उस पैराग्राफ में से ही आपको आंसर देने होंगे। तो इसमें मैं बात करूं, देखो यहां इस प्रकार का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस प्रकार का एक पैराग्राफ मिलेगा, तो उस पैराग्राफ में से ही आपको आंसर देने होंगे। जिसमें मैं बात करूं यहां 35वें क्वेश्चन तक इस पैराग्राफ के आंसर हैं, तो इसको मैं यहां समझाऊं अपना आपका टाइम खराब करूं तो वो सही नहीं है। तो अपन 36वें क्वेश्चन से बात करते हैं दोस्तों। 36वां है ज्यामिति वृद्धि शब्द का प्रयोग सूचना विस्फोट को अभिव्यक्त करने के लिए विकल्प किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अधिक्रमिक वृद्धि। क्या है, एक अधिक्रमिक वृद्धि। नेक्स्ट है अपना 37वां क्वेश्चन कि इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया। तो दोस्तों इंपीरियल लाइब्रेरी की मैं बात करूं तो दोस्तों इंपीरियल लाइब्रेरी एक वही लाइब्रेरी है जो अभी हमारी वर्तमान में जिसका नाम भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गया है इंपीरियल लाइब्रेरी,
दोस्तों जो राष्ट्रीय पुस्तकालय की पूरी वीडियो है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है, उसको बहुत अच्छे से क्लियरली एक एक पॉइंट को बिल्कुल उसमें शायद ही कुछ चीज़ छोड़ी होगी, आप उसको जाके देख सकते हो, उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। हर क्वेश्चन का जो लाइब्रेरी जो अपना नेशनल जो लाइब्रेरी है भारत की, उसका जो भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, वो आपको वहाँ जाके क्लियर हो जाएगा। आप जैसे इसमें दिया है इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए खोला गया, तो उसका आंसर होगा 30 जनवरी 1903 को। 30 जनवरी 1903 को इंपीरियल लाइब्रेरी को खोला गया। उसके बाद में ये इंपीरियल लाइब्रेरी 1948 में जाके भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बनी। अगर मैं बात करूं इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष की यहां, तो प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे इसके जॉन मैकफॉरलेन। फिर उसके बाद में जब ये राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गया, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गया तो उसके जो प्रथम अध्यक्ष बने 1948 में वो बने थे B.S. केसवन। तो ऐसी जो सारी अपने राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो सारी जानकारी है, वो वीडियो आप अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाके आप जरूर देखें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है अपना 38वां, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दस्तावेजों को निम्नलिखित 4/12/2015 को कहां से प्राप्त किया गया? तो दोस्तों वो प्राप्त किया गया था, PMO ऑफिस है वहां से प्राप्त किया गया था, जो नई दिल्ली में है। PMO मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वहां से ये प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करें 39वें की, तो उसमें क्या है कि अनुक्रमणीकरण जो अपना इंडेक्सिंग जो होती है, उसकी भाषाओं के परिणामों की विशिष्टता का स्तर बढ़ाने से क्या होगा? तो उसमें होगा अशुद्धि में वृद्धि होगी। दोस्तों अगर हम उसके जो परिणाम की विशिष्टता का स्तर बढ़ाएंगे तो अशुद्धि में वृद्धि होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है अपना 40वां जो क्वेश्चन है, उसमें क्या है, भारत सहित अनेक विकासशील देशों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास आधार द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 का संशोधन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों मैंने आपको नेशनल लाइब्रेरी में इसको भी बताया था कि जो अपना यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी कब जारी हुआ, जो मैनिफेस्टो है कब जारी हुआ, उसका संशोधन पहली बार तो 1972 में हुआ, और जो अंतिम जो संशोधन है उसका वो हुआ था 1994 में, जो इसका राइट आंसर है 1994 सी। आप वो वीडियो जरूर देखना क्योंकि वो बहुत ही फायदेमंद वीडियो है, उसको आप देखते हैं तो आपके देखो जैसे यूनेस्को से, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय पुस्तकालय से यहाँ दो क्वेश्चन आए हैं, एक तरीके से यूनेस्को का वीडियो अलग से दिया है, राष्ट्रीय पुस्तकालय का वीडियो अलग से दिया है, आप उनको जाकर जरूर देखें एक बार। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 41वां कि सूचना का अधिकार बिल को भारत में, भारत की संसद को कब पास किया गया? तो दोस्तों वो पारित किया गया था 15 जून 2005 में, संसद में पास हो गया था 15 जून 2005 में। अगर दोस्तों मैं इसके जो सूचना का अधिकार है उसके जो लागू होने की बात करूं, तो दोस्तों वो लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था, लेकिन संसद में पारित हो गया था 15 जून 2005 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट अपना है भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई? जो अपना इंडियन लाइब्रेरी जो एसोसिएशन है, ILA है, दोस्तों मैंने ILA की वीडियो भी डाल रखी है, उसको भी आप जरूर देखें कि ILA की पूरा विवरण आपको दिया हुआ है। इसमें मैं बात करूं ILA की स्थापना की, तो दोस्तों ILA की स्थापना इसमें डी आंसर है 1933 में हुई, 13 सितंबर 1933 को ILA की स्थापना हुई थी, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट में बात करूं 43वां, उसमें है भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रहण और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का होता है? तो दोस्तों वो होता है अपना राष्ट्रीय पुस्तकालय का, नेशनल लाइब्रेरी होती है। नेशनल लाइब्रेरी हर चीज को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखती है। नेक्स्ट अपना है 44वां, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विस्तार क्रियाकलाप नहीं है? जो विस्तार सेवा होती है लाइब्रेरी में, उसका क्रियाकलाप कौन सा नहीं है? जिसमें पहला है पुस्तक प्रदर्शनी, दूसरा है फिल्म शो, एंड तीसरा है अंतर पुस्तकालय परिदाय, और चौथा है अपना व्याख्यान और पुस्तक वार्ता। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि जो इंटर लाइब्रेरी लोन, जो अंतर पुस्तकालय परिदान है, वो एक विस्तार सेवा का भाग नहीं होता है, बाकी ये तीनों विस्तार सेवा का ही एक रूप होती है। नेक्स्ट में बात करूं 45वां कि पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीयक सूत्र का उपपरिणाम क्या है? तो इसका उपपरिणाम मतलब इसका द्वितीय सूत्र का उपपरिणाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सभी के लिए पुस्तकें, क्योंकि
प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, तो यहाँ सभी के लिए पुस्तक है, इसका अर्थ हुआ। तो 45वें का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है अपना 46वां क्वेश्चन कि प्राचीनतम लेखन सामग्री कौन सी है। इसमें राइट आंसर होगा अपना मृत्तिका फलक। मृत्तिका फलक है जो प्राचीनतम लेखन सामग्री है। नेक्स्ट है अपना 47वां, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र जोरदार तरीके से पुस्तकालय संग्रह में मुक्त प्रयोग की वकालत करता है। तो दोस्तों यहाँ जो अपनी लाइब्रेरी जो होती है उसमें ओपन एक्सेस सिस्टम जो होता है उसके बारे में यहाँ बात की गई है कि ओपन एक्सेस सिस्टम है वो पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र का पालन करता है। तो दोस्तों वो पालन करता है तृतीय सूत्र का कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ओपन एक्सेस सिस्टम के द्वारा क्या होगा कि हमारी जो प्रत्येक पुस्तक है उसको पाठक की प्राप्ति होगी और तृतीय सूत्र का पालन होगा। यहाँ मैं बात करूँ फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की, तो दोस्तों डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा 5 अपने फाइव लॉज दिए हैं उनकी ये बात है। तो उनके अनुसार आपको एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट में बात करूँ 48वें क्वेश्चन की, तो दोस्तों 48वें क्वेश्चन में क्या है, उस प्रक्रिया को पहचानिए जिसके साथ दो संकल्पनाएं जुड़ी हैं, सूचना का प्रतिनिधित्व कैसे करें और संरचना की व्याख्या कैसे करें। अधिकांशतः ये ऐसी दुर्जन्य समस्याओं को और चुनौतियों समझी जाती हैं जो मनुष्य और कंप्यूटरों के सामने इस प्रक्रिया में आती हैं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा डी, सूचना पुनर्प्राप्ति। सूचना पुनर्प्राप्ति में ये चीज होती है। नेक्स्ट में बात करूँ 49वां कि एचपी लुहान जो कंप्यूटराइज एचडीआई सेवा जो सेलेक्टिव डिसेमिनेशन जो सर्विस है उसके नवीनीकरण के लिए उत्तरदायी है और उन्हें इस ऑटोमेशन इंडेक्सिंग सिस्टम के विकास के लिए भी जाना जाता है, वो है अपनी क्यूब। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब क्या है, क्यूब क्या है अपनी एक इंडेक्सिंग सर्विस है। इसका राइट आंसर होगा डी। तो इसमें राइट आंसर क्या है 49 में डी। नेक्स्ट में दोस्तों बात करूं अपना अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी का प्रथम संस्करण जो अपना फर्स्ट एडिशन है डीडीसी का वो कब आया नहीं कितने पेज में आया था। तो वो आया था दोस्तों 44 पेज में। आपने ये क्वेश्चन 2016 का जो अपना लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्जाम लगा था उसमें भी आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्वेश्चन जो होते हैं ओल्ड पेपर से हमेशा रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए मैंने आपको आज ये ओल्ड पेपर सॉल्व करवाया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 44 प्रश्नों में। अगर मैं बात करूं डीडीसी के प्रथम संस्करण का प्रकाशन की, तो दोस्तों वो जो अपना पहला एडिशन है वो 1876 में प्रकाशित हुआ था। डीडीसी के जो हैं वो हैं मेलविन ड्यूई, जो हैं डीडीसी के जो हैं अपने डीडीसी एक वर्गीकरण पद्धति है उसको बनाने वाले जो हैं मेलविन ड्यूई हैं। इसका पहला संस्करण 1876 में आया, 44 प्रश्नों में आया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है इंटरनेट ब्राउजिंग किस वर्ष में पहली बार मुक्त और डाउनलोड करने में सुगम हुआ, जिसने आम लोगों को इंटरनेट के प्रयोग के लिए प्रेरित किया और जिसने पुस्तकालयों को व्यापारिक विषय वस्तु प्रयोगकर्ताओं के माध्यम से ऑनलाइन स्रोतों की उपलब्धता को संभव बनाए रखा। तो इसका जो आंसर है 1993 सी आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट बात करूँ 62, भारत में सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को समान समझकर उनके साथ अलग तरह से भुगतान विषय वस्तु स्थल मंच अनुप्रयोग संलग्न साधनों के प्रयोग या संप्रेषण के माध्यम इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है दोस्तों नेट न्यूट्रलिटी। इसका राइट आंसर होगा नेट डी। इसका राइट आंसर होगा डी, नेट न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट अपना है एरिक। एरिक क्या है, यहाँ इसमें एरिक को प्रगीकृत किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको प्रगीकृत किया जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए है वहाँ से। नेक्स्ट है अपना 64वां, जो अपना 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, यहाँ वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है वो छांटना है। तो वो है सी, अपाचे है जो वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी ये सारे वेब ब्राउजर हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, फायरफॉक्स, ये तीनों वेब ब्राउजर हैं, लेकिन अपाचे है वो वेब ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट है अपना 65वां क्वेश्चन, इसको देख लीजिए आप वेब ब्राउजर वाले को। 65वां है अपना, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास का श्रेय किसे जाता है।
तो दोस्तों वो जाता है अपना चार्ल्स बेबेज को। अगर मैं चार्ल्स बेबेज की बात करूं तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट अपना है 66वां क्वेश्चन, प्रथम भारतीय कंप्यूटर को किस स्थान पर अधिस्थापित किया गया, कि जो भारत में पहली बार जो कंप्यूटर स्थापित किया गया वो कहाँ किया गया, तो वो किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कलकत्ता में है वहाँ किया गया। नेक्स्ट है अपना, इसमें राइट आंसर डी है, 67 में कैलिवर के वार्षिक व्यावसायिक कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा डी, इन्फ्लिमनेट। इन्फ्लिमनेट का प्रोग्राम है कैलिवर, कैलिवर हुआ, प्लानर हुआ, ये क्या इन्फ्लिमनेट के प्रोग्राम है, तो इसमें इन्फ्लिमनेट से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट अपना है 68वां क्वेश्चन, कि उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम क्या है जो लगते ही प्रयोग के लिए तैयार हो जाता है, तो उसका नाम है सी, टर्न की कंप्यूटर प्रणाली। क्या है? टर्न की कंप्यूटर प्रणाली। नेक्स्ट है 69, तो 69 में क्या दिया है कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी अनिवार्यतः रिक्त होती है, मतलब खाली कौन सी मेमोरी रहती है, तो वो रहती है हमेशा रैम, रैम होती है वो खाली रहती है। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से किसे आप इनपुट और आउटपुट विधियों का मिश्रण मानेंगे, तो वो मानेंगे वीडीयू को, वीडीयू जो वीडियो डिस्प्ले यूनिट है उससे क्या है कि अपन आउटपुट और इनपुट दोनों को मिश्रण विधियों, एक मिश्रण विधि मानेंगे उसकी कंप्यूटर की। नेक्स्ट है अपना 71वां, कि विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है जिसमें इंटेल 80386 माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा सी, टेक्स्ट प्रो 386, राइट आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट है अपना, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम निर्देश को एक बार में मशीन की भाषा में बदल देता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम निर्देशित करता है उसको मशीनी भाषा में बदल देता है। नेक्स्ट है अपना 73 में निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन डेटाबेस नहीं है, तो रिलेशन डेटाबेस कौन सा नहीं है, डी, रिफ्लेक्स रिलेशन डेटाबेस नहीं है। 74 की मैं बात करूं तो ई गवर्नेंस की पहल जो चौपाल है किसकी पदोन्नति या विकास के लिए किया गया, तो उसमें जो राइट आंसर होगा इसमें वो होगा कृषि, एग्रीकल्चर के लिए, जो अपनी एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए एक चौपाल नाम से एक योजना है वो योजना कृषि से संबंधित है, मतलब इसमें राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है अपना, पुस्तक चेन की डिमांड थ्योरी का सुझाव दिया गया था, तो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी की यहाँ बात हो रही है, तो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी दी थी मैक केल्विन ने। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसमें रंगानाथन ने, तो दोस्तों रंगानाथन ने पुस्तक चेन के लिए जो अपने अपने 5 सूत्र दिए थे उसमें जो प्रथम 3 सूत्र हैं उनके आधार पर पुस्तक चेन के सिद्धांतों को बताया। मैं बात करूं या मेल्विन ड्यू की, तो मेल्विन ड्यू ने क्या कहा कि अधिकतम पाठकों को सर्वोत्तम पुस्तक कम से कम मूल्य में मिले, तो ये सिद्धांत दिया था मेल्विन ड्यू ने। तो इस प्रकार की सिद्धांत दिए थे, लेकिन जो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी यहाँ जो पूछी गई है वो दी थी मैक केल्विन ने, जो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से किसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दोस्तों यहाँ प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमसे पूछा है तो इसका है आंसर डी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और जो ये बाकी हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, ड्रम प्रिंटर हुआ, चेन प्रिंटर हुआ, लाइन प्रिंटर हुआ, तो ये क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, लेकिन जो अपना लेजर प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, सबसे ज़्यादा जो काम में आते हैं अभी वर्तमान में वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही काम में आते हैं। नेक्स्ट अपना 77, किसी पुस्तकालयों में किसी पत्रिका की सदस्यता के आधार पर उसके विभिन्न अंकों की प्राप्ति को स्वयं से जांच के लिए 3 कार्ड सिस्टम, मतलब 3 कार्ड प्रणाली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो अपनी 3 कार्ड सिस्टम है वो पत्रिकाओं के लिए दिया गया, पत्रिकाओं के लिए दिया गया, तो वो डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा दिया गया, डॉक्टर एस आर रंगानाथन इसमें सही है, बी आंसर। तो दोस्तों 3 कार्ड सिस्टम में मैं बात करूँ तो उसके 3 कार्ड होते हैं, जिसमें पहला कार्ड होता है रजिस्टर कार्ड, जो अपना रजिस्ट्रेशन का काम होता है रजिस्ट्रेशन कार्ड, दूसरा होता है चेक कार्ड, और तीसरा कार्ड होता है क्लासीफायर, जो इंडेक्स कार्ड होता है क्लासीफायर इंडेक्स कार्ड।
तो तीन कार्ड इसमें होते हैं जो डॉक्टर एस आर रंगनाथ ने अपनी जो पत्रिकाएं होती हैं उनके लिए ये दिया था। नेक्स्ट है अपना दोस्तों ये देख लीजिए आप 77 नंबर का मैंने अभी आप बताया। नेक्स्ट है अपना 78 की जो परिभाषिक शब्दावली निम्नलिखित में से किस बाधा को दूर करने का साधन है। परिभाषिक शब्दावली होती है वो किस बाधा को दूर करने का एक साधन है, तो दोस्तों इसमें आंसर दिया है बी सही आंसर है इसका, कि तकनीकी और व्यावसायिक शब्द अवरोध। नेक्स्ट में बात करूं 79 की, तो पुनर्स्मरण और परिशुद्धता अनुपात का प्रयोग सामान्यतः किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है, तो दोस्तों वो किया जाता है सूचना पुनर्प्राप्ति के अगर मूल्यांकन करना है तो उसके लिए ये चीज दी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है अपना न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ, तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ समझना होगा कि न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली आखिर क्या है। तो दोस्तों ये प्रणाली है आदान प्रदान के काम आती है, न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली जो होती है पुस्तकों का आदान प्रदान के काम आती है। अगर मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की, जो इसका राइट आंसर होगा बी 1900 में ये प्रणाली जो विकसित हुई थी, सन 1900 में ये प्रणाली विकसित हुई थी। अगर मैं बात करूँ इसके खोजकर्ता की, तो इसके खोजकर्ता हैं अपने हैं जॉन कॉटन डॉन है इसके न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली के। अब यहाँ हमारे 80 क्वेश्चन पूरे होते हैं दोस्तों, इसमें मैं बात करूँ ये नवोदय का पूरा पेपर अपना कंप्लीट होता है, तो दोस्तों ये हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हुआ है। और ऐसे पेपर अगर आपको और पेपर सॉल्व करवाने अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको और पेपर भी सॉल्व करवाता रहूँगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ एक ग्रुप बना हुआ है जो अपना आरजे सोमला नाम से है, जिसका फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट ऑफ मोट्स लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये एक फेसबुक पेज है दोस्तों, इस पेज से भी आप फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, आप आरजे सोमला डायरेक्ट नाम सर्च करके आप उस पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से हमारे ग्रुप से, मैं टेलीग्राम लिंक भी आपको दे दूंगा, और इसमें जो ये पेपर आपने सॉल्व करवाया है इसके विद आंसर मैं आपको पीडीएफ रूप भी इसमें नीचे दे दूंगा। दोस्तों इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक सबके लिए।